और वही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का खेल चलता था, प्रदेश को जमीनों के सीएलयू और नौकरियों के नाम पर लूटा गया, जिसे आज सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बंद किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस सत्रुजीत कपूर ने के नेतृत्व में विजिलेंस टीम बेहतर कार्य कर रही है और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं जितना कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार था, मतलब जमीनों की सीएलयू भी क्या करते थे, नौकरी बोला लगी करती थी, एससीएस आई एएसआई सब इंस्पेक्टर डीएसपी, किसका आज तो किसका बेटा नौकरी लग जाए, कौन डीसी लग जाए, कौन एससी लग जाए, कौन क्लर्क लग जाए। आज भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार के लोग कितने जेल गए, कितने जाने की तैयारी है। ठीक है, मैं इनका सब कुछ ठीक हो जाता मानता हूँ कि कहीं छोटी छोटी हैं बस ये रहेंगे, और उनका इलाज यही है कि जो हमारी अपने कपूर सत्री कपूर कपूर हैं वो टीम हमारी लगी हुई है।